गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम डॉक्टर कल्पना शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोआलॉजी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बच्चों आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पेस्ट कंट्रोल के अंदर प्राइमरी कंट्रोल पार्ट थ्री डिस्कस करने जा रही हूँ मेरे लास्ट के दो लेक्चर्स में मैंने प्राइमरी कंट्रोल पार्ट टू दैट इज मैकेनिकल कंट्रोल एंड प्राइमरी कंट्रोल पार्ट टू फिज़िकल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी कंट्रोल पार्ट थ्री दैट इज लेजिटिव कंट्रोल ये लेजिस्टिव मेजर्स क्या होते हैं लेजिस्टिव मेजर्स जो होते हैं कि कानूनी मेजर्स हैं कानून के तो है, तहत तहत हैं इसमें कई सारे एक्ट बनाए हुए हैं कि कोई भी अगर नर्सरी स्टॉक होता है या सीड होता है अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री से किसी दूसरी जगह पर हमें उसको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है थ्रू स्टीमर्स एंड एयरक्राफ्ट तो उनके लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं जो आते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंतर्गत इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर that pest should not be transported to one country where their population may increase ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पेस्ट जो हैं वो कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं होने चाहिए नहीं तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर सकती है और उनकी एग्रीकल्चर को डैमेज कर सकती है नर्सरी स्टॉक्स और सीड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज थ्रू स्टीमर्स और एयरक्राफ्ट्स में ब्रिंग पेस्ट। इन इंडिया सेंट जो स्केल वूली एफ एंड कॉटनी कुशन स्केल्स आर इम्पोर्टेड इन द सेम वे इंटरनेशनल रूल्स हैव बीन फॉर्म टू अवॉइड दिसजिस्लेटिव मेजर्स लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या है इन लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर कुछ कुछ एक्ट बना रखे हैं जैसे ये जो पहला एक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डी आई पी एक्ट इलेवन ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टीन डिस्ट्रेक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट इस एक्ट के अंतर्गत इन इंडिया लेजिसलेटिव मेजर्स आर टेकिंग टेकिंग एट द इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ एंट्री एंड ऑल गुड्स इंपोर्टेड एरियाज और थॉरली चेक्ड अंडर दिस एक्ट दूसरा एक्ट जो है उसको हम बोलते हैं ए पी डी डब्ल्यू एक्ट जिसका मतलब है एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीजेस एंड नॉक्शियस वीड्स एक्ट various state government have passed agricultural pest diseases and noxious weed acts to enable them to take measures for the control of pest central directorate of plant protection has established well equipped

legislatures have also been made for proper fumigation of seed prior to transportation and declaration of any insect as a pest so that interstate cooperation for the eradication of some widespread pests such as desert locust red hairy caterpillars etc can be achieved E is our quarantine measures. What are quarantine measures? Several quarantine measures are strictly employed at the entry points to avoid entry of any noxious pest, parasites, predators, or pathogen from one country to another. बहुत सारे क्वारंटाइन मेजर्स जो हैं जहां पर एंट्री पॉइंट के ऊपर लगा रखे हैं जहाँ जिनसे कि जो खतरनाक पेस्ट है या जो हानिकारक पेस्ट है या पैरासाइट है या जो प्रेडेटर्स है या रोग कारक पैथोजन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सके क्वारंटाइन मेजर्स यूज आर टोटल प्रोहिबिशन हेल्थ एंड फाइटो सर्टिफिकेट लाइसेंस सिस्टम प्रोहिबिटेड एरियाज़ केमिकल ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन एंड इंस्पेक्शन अब हम इनको एक एक करके देखेंगे पहले हम देखते हैं टोटल प्रोहिबिशन टोटल प्रोहिबिशन का मतलब कंप्लीट चेकअप टोटल रोक लगा देना कुछ चीज़ें जैसे मैक्सिकन जंपिंग बीन्स हैं पोटैटो ट्यूबर्स हैं या अनगिंड कॉटन हैं इनके इंपोर्ट पर सरकार ने सख्ती से रोक लगा रखी है कि ये हमारे कंट्री में बाहर से नहीं आएंगे सेकेंड है हेल्थ एंड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट अब हेल्थ एंड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट में क्या होगा कुछ कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ बना रखी हैं जो कि ये सर्टिफिकेट इशू करेंगी कि अगर किसी चीज़ को इम्पोर्ट होना है अपने कंट्री के अंदर तो उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा इम्पोर्ट करने से पहले वाइल्ड ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट और प्रोडक्ट्स a certificate of health or phytosanitary certificate issued by competent authority is needed entry is permitted only after producing such certificate stating specially that the material is free from pests parasites predators एन पैथोजन एंड इश्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्वारंटाइन एक्ट फ्राम द डोमेस्टिक क्वारंटाइन डिपार्टमेंट इस एक्ट के अंदर क्या है कि भैया उस इसमें लिखा हुआ होता है कि ये जो आप जो भी चीज़ आप इम्पोर्ट कर रहे हो ये पेस्ट से पेरासाइड से प्रिडेटर से और पैथोजन से फ्री है इन इंडिया डायरेक्ट

प्रोहिबिटेड। अकेला कोई इंडिविजुअल नहीं इनको इम्पोर्ट कर सकता सब्जी को फलों को अंडर द क्वारंटाइन रेगुलेशन सच गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय लाइसेंस एजेंसीज विच फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोविजन्स केवल लाइसेंस एजेंसी ही इनको दे सकती हैं इंडिविजुअल व्यक्ति इनको ट्रांस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इट अवॉइड्स रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पेस्ट पेरासाइड पेथोजन एंड वीड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ऐसा करने से क्या होगा अगर लाइसेंस सर्टिफिकेट है तो अच्छे से चेक होगी चीज़ फोमोगेशन होगा उसका प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट इशू होगा लाइसेंस बनेगा तो इससे क्या होगा रिस्क अवॉइड होगी किसी भी पेस्ट पैरासाइट पैथोजन या वीड के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की नेक्स्ट इज द प्रोहिबिटेड एरियाज इंटरनेशनल क्वारंटाइन अथॉरिटी हैज़ डिक्लेयर्ड सम प्रोहिबिटेड एरियाज सच एज़ आर एंडेमिक and to avoid spread of diseases in animals and plants under regulation sugarcane cutting for example are banned to import from australia new guinea fiji and the west west indies fifth is the chemical treatment fumigation or insecticidal dressing to seed and another plant material is quarantine prerequisite